तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चाहता तो रमजान में ही गुलाम हैदर को बुला सकता था, लेकिन रमजान के महीने में एक तो लीगल कार्रवाई बड़ी चली है इस मामले में, और लंबे लंबे सफर करने पड़े हैं, और लीगल कार्रवाई अभी हमने इनिशिएट की है, और लीगल कार्रवाई का वो सतर अभी नहीं आया है कि जिसमें हमें गुलाम हैदर की एकदम जरूरत पड़े, आने वाले समय में हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने खुद उनको रोका है, और वो आएंगे, और जब वो आएंगे ये मैं आपको कहता हूं कि आप गिड़गिड़ाएंगे गुलाम हैदर का इंटरव्यू करने के लिए, जो आप आज ताने मार रहे हैं कि गुलाम हैदर नहीं आया नहीं आया, उसकी गीदड़ भंकी है, वो धमका रहा है, वो ये कर रहा है, ये सीमा भक्ति में गलत खबरें गलत बयानी जो आप कर रहे हैं। एक दिन वो आएगा कि आप गुलाम हैदर जब भारत में आएगा आप गिड़गिड़ाएंगे उसका इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन मैं आपको अलाउड नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान रख लेना। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक चैनल है, वो चैनल गलत खबरें चला रहा है, गलत बयानी कर रहा है, और एक तरफा साइड को वो रख रहा है, और वो सीमा हैदर की भक्ति में लीन हुआ जा रहा है, और गलत मैसेज भारत की जनता में, भारत की आम पब्लिक में, भारत से बाहर के लोगों की आम पब्लिक में, पूरी दुनिया के सामने वो झूठ को परोस रहा है, और सच्चाई को दबाकर वो हर तरीके से उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है, और बाकायदा एक भक्ति रूप में जा करके वो इस बात को के ताने मार रहा है कि गुलाम हैदर ने ये कहा था कि हम रमजान में आएंगे, हम आएंगे, उसकी गीदड़ भभकी फैल हो गई, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, और मैं इस बारे में भारत सरकार को जल्द ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में भी दे दूंगा, तो गुलाम हैदर को फुल सिक्योरिटी मिलेगी, हर तरह की सिक्योरिटी मिलेगी, और जहां जहां का वीजा उनका सैंक्शन होगा वो सिक्योरिटी के साथ ही जाएंगे, और सिक्योरिटी के साथ ही वो कोर्ट में पेश होंगे, उनको सफल रूप से हम भारत में बुलाएंगे, और लीगल कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको सफल रूप से और उनको हर तरीके से सिक्योरिटी के साथ उनकी रक्षा करते हुए उनको वापस उनके मुल्क में पाकिस्तान में भिजवाएंगे। तो अब रहा सवाल गुलाम हैदर का, तो गुलाम हैदर को किसी प्रकार का कोई खतरा भारत में नहीं है, ये मोमिन मलिक ने उनको स्पॉन्सर किया है, ये मैं इस बात की आपको जिम्मेदारी लेता हूं, और सरकारी सिक्योरिटी के अलावा मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी जो नौजवान लड़के हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी भी गुलाम हैदर के साथ रहेगी, अंसार बरनी जी के साथ रहेगी, जो वकील वहां से आएंगे उनके साथ रहेगी, और भारत की सरकार और हरियाणा सरकार इस मामले में पूरी तरह सक्षम है कि वो किसी भी नागरिक को सुरक्षा देने के लिए हर प्रकार से सक्षम है, उनको जरूरत के मुताबिक जिस लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत होगी वो भारत सरकार उनको देगी, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से वो हर प्रकार से यहां पर सेफ है, और वो भारत में आएंगे, और भारतीय अदालतों में भी हम पुरजोर कोशिश करके गुलाम हैदर को उसका हक दिलवा सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने भेजी हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं एक और अहम बात, कि भाई हम गुलाम हैदर की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत इसमें सतर्क हैं, और अब से पहले भी जितने भी मेरे पाकिस्तान के जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो आए हैं, तो मैंने हमेशा उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है, हमारी भारत की सरकार ने, हमारी हरियाणा की सरकार ने उनको प्रॉपर सिक्योरिटी अपॉइंट की थी और उनको प्रोवाइड कराई है, उनके रहने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में अच्छा इंतजाम किया है, और ये सारा सरकार के स्तर पर पहले होता आया है। साथ साथ मैंने श्री अंसार बरनी जी, जो कि अंसार बरनी ट्रस्ट के इंटरनेशनल चेयरमैन हैं, और उनके वकील जो उनके डिपार्टमेंट के अंदर वकील हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, उनको आने के लिए मैंने आमंत्रित किया था कि वो आए इस केस में, उनका वकालतनामा भी मेरे साथ लगा हुआ है, वो आकर के मुझे असिस्ट कर सकते हैं, और उस केस में वो अपने नेशनल की पैरवी को देख सकते हैं कि भारत के वकील द्वारा या भारत की किस सरकार के अकॉर्डिंग जितने भी कार्य हैं वो किस प्रकार से हम लीगल रूप से टेकन अप कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा कानून में दिया गया अधिकार है जो हमने उपयुक्त किया है। उसके अलावा हमने
उसके बाद हमने मैंने खुद स्पॉन्सर लेटर भेजा है गुलाम हैदर को वीजा देने के लिए भारत की सरकार को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया को जो इस्लामाबाद में स्थित है, कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए ताकि वो अपने केस की पैरवी कर सके और मुझे भी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसको मैं कोर्ट में भी पेश कर सकूं, उसकी भी मैं गवाही करा सकूं सीमा के खिलाफ, उसके बच्चों की कस्टडी उसको दी जा सके, इसके लिए मैंने वीजा की रिकमेंडेशन की थी। हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएगी। तो ये जरूरी था, चूंकि एक चैनल पे मैंने देखा कि एक एंकर पूछ रहा है किसी लड़की से कि भाई ये टेस्ट जो कहा गया है ये इसके बारे में आप क्या कहेंगी। तो वो लड़की कहती है जी हमारी एजेंसी ये है, हमारी एजेंसी वो है। हमारी एजेंसी जो है वो तो सबके सामने है, उस पर किसी प्रकार की एक आध अधिकारी गलत हो सकता है, सारे नहीं हो सकते, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट पार्टी हैं। सीमा हैदर गुलाम हैदर की वाइफ है, बच्चे उनके हैं, तो ये कानून हमें राइट देता है कि हम कानून के अकॉर्डिंग और कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपनी मांग को रख सकते हैं। तीसरी हमने मांग करी थी कि भाई गुलाम हैदर, कि भाई सीमा हैदर की सच्चाई को जानने के लिए कि क्यों इसने ऐसा उसके मकान को बेच करके, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि 12 लाख में इसने मकान बेचा और वहां से ये आई, तो उसकी सच्चाई क्या है। उसके लिए इसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए था, इसकी नार्को टेस्ट होना चाहिए था और इसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार की कोई सूचना गुलाम हैदर को आधिकारिक तौर पर ना दी गई है, ना कोई लेटर दिया गया है ऐसा, और ना ही उसको फोन कॉल्स द्वारा या पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन इन बच्चों के रिकवरी से संबंधित, जो बल्लभगढ़ से सीमा को रिकवरी अरेस्ट करके इन बच्चों को रिकवरी किया गया था, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी गई है। तो हमने शिनाखत परेड के लिए लिखा था कि हमारी शिनाखत परेड कराई जाए ताकि हमें पता चले कि ये गुलाम हैदर के ही बच्चे हैं या उसके असल बच्चों को कहीं रास्ते में कोई नुकसान पहुंचाकर कहीं मार तो नहीं गया या कोई ऐसा नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया या बच्चे बदल तो नहीं गए, तो गुलाम हैदर अपने बच्चों को देखकर पहचान सके, क्योंकि उसके सामने आज तक ये बच्चे नहीं आए हैं कि वो उन बच्चों को देख सके जो नाजायज तौर से दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए भारत में आई है। तो हम इसमें पार्टी हैं और चूंकि गलत किया गया है, 18 लाख के मकान को 12 लाख में बेच करके वो वहां से आई है और उसके बच्चों को भी उससे दूर कर दिया है, तो हमने एक एप्लीकेशन दी थी, उसमें हमने कहा था कि हम 161 CRPC के तहत इसमें सरकारी गवाह बनना चाहते हैं ताकि सीमा को सख्त से सख्त सजा मिल सके, क्योंकि उसके खिलाफ सरकारी अधिकारियों के अलावा कोई भी गवाह सीमा के मामले में नहीं है। हमारी गवाही सीमा को सजा कराने में बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। तो हमने इसलिए उनको इस बारे में सूचित किया है कि धारा 161 के बयान हमारे लिए जाएं। एक आध अधिकारी जो हैं उनकी भी जल्दी कानूनी तरीके से उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी लिखा जाएगा, और जो ढिलाई बरत रहे हैं या फिर जो जानबूझ के इस मामले को लंबित करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल तौर पर और लीगल तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब सवाल सिक्योरिटी का किसी भी लेवल पे नहीं उठता और भारत की जो सरकार है वो हमेशा सिक्योरिटी के मामलों में संवेदनशील है और हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ जुल्म हुआ है और जिसको न्याय की जरूरत है। हमारी भारत सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि वो न्याय से वंचित लोगों को, चाहे वो भारत का निवासी है चाहे भारत से बाहर का निवासी है, उनको न्याय प्रोवाइड कराए, उनको जस्टिस प्रोवाइड कराए। हमारी भारत की अदालतें भी इस बात के लिए सुनिश्चित करती हैं कि ना केवल भारत के लोगों को बल्कि विदेशी लोगों को भी जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको पूर्ण रूप से जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए, और ऐसा करना 161 CRPC में हमें राइट देता है कि 161 CRPC में हमें ये राइट है कि हम अगर अपनी गवाही देना चाहें, और हम इसमें कोई स्ट्रेंजर नहीं है, हम इसमें डायरेक्ट पार्टी हैं, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है जिसके खिलाफ पाकिस्तान की पुलिस स्टेशन में भी एक रपट दर्ज है, एक FIR दर्ज है, और बच्चों को लेकर के जो आई है उसके मामले में वो सब चीजें वहां पुलिस में लिखवाई गई है और लीगल प्रोसीडिंग के जरिए उनको उनका हक मिले। दूसरा हमने जो मांग की थी वो ये मांग की थी कि सेक्शन
54A और सेक्शन 9, सेक्शन 54A सीआरपीसी और सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं उनको आज तक दिखाया नहीं गया है, ना बताया गया है, ना उनको ये तसल्ली दी गई है कि भाई ये उन्हीं के बच्चे हैं, जबकि पुलिस अधिकारी सेक्शन 50 सीआरपीसी के तहत वो बाउंड है कि अगर वो किसी को अरेस्ट करते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों को उनको सूचना देना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले 2-3 दिनों के अंदर एक उत्तर प्रदेश सरकार से, यूपी पुलिस से एक मांग की थी कि गुलाम हैदर सीमा हैदर के केस के मामले में सरकारी गवाह बनना चाहता है और उसके खिलाफ सरकारी गवाही देना चाहता है ताकि उसको सजा हो सके। इस प्रकार गुलाम हैदर को पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और अंसार बर्नी साहब को पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, उनकी लीगल टीम को सिक्योरिटी दी जाएगी और मेरे खुद प्राइवेट गार्ड्स भी साथ रहेंगे और कोई किसी प्रकार की थ्रेट्स अगर आती हैं गुलाम हैदर को या धमकी आती है या कोई धमकी देने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भिजवाएंगे और हर तरीके से गुलाम हैदर की जो लीगल प्रोसीडिंग भारत में चल रही है उसमें वो जल्दी शामिल होगा और कानून के तहत ही उसे हर प्रकार का न्याय हमारी भारत की सरकार, हमारे भारत के न्यायालय और हमारे भारत के तमाम सरकारी अधिकारी उसको देंगे। आपको मैं दिखा देता हूं और उसका जवाब भी दे देता हूं और आप समझ भी गए होंगे मैंने किस चैनल को कराया और बहुत जल्दी इस एंकर के खिलाफ, इस एंकर के जितने भी साथी है उनके खिलाफ मैं एक बहुत बड़ी लीगल कार्रवाई करने जा रहा हूं कि ये गलत बयानी जो कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, गलत खबरें जो दे रहे हैं उस गलत खबरें को चला रहे हैं और देश के कंसेप्ट को, लोगों के नजरिए को गलत तरीके से ये भ्रांति पैदा कर रहे हैं, दो समुदायों में ये जो है एक लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं गलत खबर के जरिए से और ये भक्ति में लीन होकर के ऐसा कर रहे हैं। इनके खिलाफ जल्दी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद।